इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। कानपुर संजीत अपहरण हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठा परिवार, यूपी पुलिस पर से भरोसा और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पूरी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा परिवार अब तक नहीं मिल पाई है अपहृत संजीत की डेड बॉडी। महिला समेत 5 हत्यारोपियों ने किया था हत्या किए जाने का कबूलनामा। हत्या करने के बाद नहर में बॉडी फेंके जाने का किया था खुलासा। लगातार जारी है पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन नहीं मिल रही लाश। और उन्होंने कहा था कि एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा इसकी एप्लीकेशन की जाए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन दिया था या साहब के माध्यम से, और सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर वो चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन करवाना तो कमल को कोई आपत्ति नहीं है, और हम लोग प्रपोजल बना के इसका भेज रहे हैं कि इसकी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा दें। इससे परिवार के परिवारजनों से बात हुई, एम साहब की बात हुई, मेरी बात हुई, माननीय विधायक जी की बात हुई, सब लोगों की बात हुई, और परिवार रुपयन से संतुष्ट है। और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जो घटना हुई उसको न्याय मिले, और उसके लिए एक स्वतंत्र जो सरकार ने डिसाइड की है वो इससे बिल्कुल उत्पन्न है, और इससे उनका जो संतुष्ट है वो भी रहते हैं। घटना समाप्त कर दिया है जी, उन्होंने समाप्त कर दिया। देखिए अब जो बात हुई है वो आपके सामने है कि निष्पक्ष एजेंसी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था कि किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो इन्वेस्टिगेशन चाह रहे थे उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इसकी सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी।